हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत रूम में बैठकर एक रोमांटिक मूवी को देख रही जेनी से होती है, जो मूवी देखते हुए एक्साइटेड हो जाती है और एक वाइब्रेटर निकालकर उसको यूज करने लगती है। इतने में उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स केक के साथ उसके रूम में आकर बर्थडे विश करते हैं। तभी उनका पेट डॉग जेनी की चादर खींच देता है, जिससे वाइब्रेटर निकल कर केक पर गिरता है और उसकी फैमिली के सभी लोगों को भी उसकी इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। अगले दिन जेनी स्कूल जाती है तो रिकी नाम का उसका एक फ्रेंड मिलता है, जो उसे पसंद करता है और इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जेनी उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। इनके स्कूल में जैक नाम के सबसे हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है, जिसके पास उसकी गर्लफ्रेंड प्रिसिला आकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। जैक अब बहुत दुखी होता है। तभी उसके फ्रेंड आकर कहते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत है और इस बार भी वही स्कूल की प्रोम क्वीन बनेगी, लेकिन जैक इस बात को नहीं मानता, क्योंकि उसका कहना था कि प्रिसिला सिर्फ मेकअप ज्यादा करने की वजह से ही खूबसूरत लगती है और मेकअप की हेल्प से कोई भी लड़की प्रोम क्वीन बन सकती है। जैक की इस बात को सुनकर उसके फ्रेंड जैक से शर्त लगाते हैं, उसे अपनी बात साबित करने के लिए स्कूल की सबसे डम लड़की को प्रोम क्वीन बनाना होगा। तभी जेनी इनके सामने से जाती है तो जैक के फ्रेंड जेनी को ही प्रोम क्वीन बनाने के लिए सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जेनी सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखती थी और स्कूल में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, जिस वजह से उसके ज्यादा फ्रेंड भी नहीं थे। जेनी को देखकर जैक कहता है कि उसे कोई भी प्रोम क्वीन नहीं बना सकता, लेकिन शर्त को जीतने के लिए हाँ कर देता है। और जेनी को इम्प्रेस करने के लिए जैक लंच टाइम में जेनी से बात करके उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन जेनी को जैक का ऐसे डायरेक्ट डेट पर चलने के लिए पूछना अजीब लगता है और वो मना करती है। अगले दिन जैक जेनी को इम्प्रेस करने के लिए सभी के सामने एक गाना गाता है, लेकिन सॉन्ग की वजह से सभी को लगता है कि जैक जेनी को वार्निंग दे रहा है, क्योंकि जेनी के पास गन है और सभी वहां से डरकर भाग जाते हैं। तभी पुलिस आकर जेनी को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन जेनी जैक के घर उसे समझाने के लिए जाती है कि वो उसका पीछा करना छोड़ दे। जैक फिर से जेनी को इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने अपने सारे कपड़े उतार कर न्यूड हो जाता है, लेकिन जेनी इम्प्रेस होने की बजाय गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जैक अपनी सिस्टर के साथ जेनी के घर उसको एक पार्टी में ले जाने के लिए आता है। जैक की सिस्टर जेनी को पार्टी में ले जाने के लिए रेडी करती है और जब जेनी जैक के साथ पार्टी में जाती है तो सभी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। लेकिन जैक की एक्स गर्लफ्रेंड प्रिसिला जेनी के पास आकर उसका मजाक करके हंसने लगती है, तो जेनी रोते हुए वहां से चली जाती है। जैक बार बार जेनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो उसको इम्प्रेस करने में फेल हो जाता है। अगले दिन जैक का फ्रेंड फिर से जैक को उसकी शर्त याद दिलाता है, तो जैक फिर से जेनी के पास जाकर उससे प्रोम नाइट पर चलने के लिए पूछता है, तो इस बार जेनी उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। अगले दिन स्कूल में फुटबॉल मैच होता है। जैक भी एक फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसको टीम से सस्पेंड कर दिया गया था। अब जैक की टीम के कुछ प्लेयर्स को चोट लगने की वजह से कोच जैक को खेलने के लिए भेजता है, लेकिन जैक की गलती से इनकी टीम मैच हार जाती है, जिससे उसका फ्रेंड जेनी को सच बताने के लिए कहता है। तभी जेनी जैक को मोटिवेट करने के लिए उसके पास आती है, तो जैक का फ्रेंड जेनी के कान के पास जाकर कुछ कहता है। इतने में जैक खुद ही जेनी को अपनी शर्त के बारे में बता देता है, जिसको सुनकर जेनी फिर से दुखी होकर वहां से चली जाती है। अब काफी दिनों तक ये दोनों नहीं मिलते और इनको एक दूसरे की काफी याद आती रहती है, क्योंकि ये अब दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और फिर प्रोम नाइट का समय आता है, जहाँ जेनी जैक के फ्रेंड के साथ जाती है, तो जैक भी अपनी सिस्टर के साथ गया होता है। ये वहाँ डांस करने लगते हैं, तो डांस के बीच में ही जैक को उसकी सिस्टर किस करती है, जिसको देखकर जेनी फिर से बुरा मान जाती है और वहां से चली जाती है। इतने में प्रिंसिपल आकर प्रोम क्वीन और प्रोम किंग की अनाउंसमेंट करता है, तो जैक को इस साल का प्रोम किंग बनाया जाता है और प्रोम क्वीन तो महीने बनती हैं। तभी जैक जेनी को देखता है तो उसको जेनी नहीं मिलती और जैक को पता चलता है कि जेनी उसके फ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए होटल में गई है। रिकी भी जैक को बताता है कि वो भी जेनी को पसंद करता है। अब ये दोनों ही जेनी को रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन जैक वहां पहुंचकर रूम में जाकर देखता है तो उसका फ्रेंड जेनी के साथ नहीं प्रिसिला के साथ इंटीमेट होता मिलता है और उसे जेनी के घर जाने के बारे में बताता है। तो अब जैक जेनी के घर जाता है, लेकिन जेनी के डैड उसे बताते हैं कि वो पेरिस जाने के लिए एयरपोर्ट निकल चुकी है। जैक जेनी से मिलने एयरपोर्ट जाता है। रिकी भी उसके पीछे ही भाग रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जैक एयरपोर्ट पहुंचकर जेनी को देखकर फुटबॉल मारकर उसे रोकता है और कहता है कि वो सच में उससे प्यार करने लगा है। ये सुनकर जेनी पेरिस जाना कैंसिल कर देती है और ये दोनों किस करने लगते हैं। फाइनली इन दोनों के एक होने के साथ ही इस मूवी का भी एंड हो जाता है।